तो देखिए कुछ इस तरीके के व्हाइट कलर के बॉक्स में ये हमें देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ आपको इसमें 9 आवर्स का प्लेबैक टाइम लिखा हुआ है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 4.2, ऑक्स केबल, माइक्रो एसडी कार्ड, एफएम रेडियो और कॉलिंग फंक्शन भी ये सपोर्ट करता है। वॉइस असिस्टेंट जो है इसमें सपोर्टेड मिलता है। 40mm के ड्राइवर्स देखने को इसमें आपको देखने, तो चलिए कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ ज़ेबरोनिक्स की ब्रांडिंग ज़ेब थंडर लिखा हुआ है और ये उसकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसकी यहाँ पे MRP लिखी हुई है। जो इसकी ओरिजिनल MRP है वो आपको अपने डिस्प्ले पे शो हो जाएगी। ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ये बॉक्स मैं पहले ही ओपन कर चुका हूँ, पर मैं आपके लिए फिर से एक बार इसे ओपन कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके की पैकिंग में ये आता है। अब हम बात करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट की। तो चलिए पहले मैं हेडफोन को बाहर निकाल लेता हूँ और बॉक्स को साइड रख देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ हमें सबसे पहले एक ऑक्स केबल देखने को मिलती है, क्योंकि ये बिना बैटरी या बिना चार्जिंग के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑक्स के थ्रू। जो ऑक्स की क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत ज़्यादा बेकार है। अब देखिए यहाँ पे एक माइक्रो USB केबल भी हमें देखने को मिलती है इसको चार्ज करने के लिए। साथ में हमें एक यूज़र मैनुअल इसके साथ मिलता है, जो कि कोई भी यूज़ नहीं करता, तो आपको भी पता है। अगर आपको इसे देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। इसमें ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं थोड़ी बहुत, बट ये काफ़ी इजी टू ऑपरेट है, इसलिए यूज़र मैनुअल पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हेडफोन की फर्स्ट लुक की। जो इसकी ओवरऑल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, जस्टिफाई नहीं करता ये अपने बिल्ड क्वालिटी को। साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है। बिल्ड आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ढीला सा है ये हेडफोन, आपके ओवर दी हेड आपको बहुत हल्का भी है, ये इसकी एक एडवांटेज है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कोई हेडफोन पहन रखा है क्या। जो इसकी बिल्ड है वो आप देख पा रहे हैं वो काफ़ी हल्की है, मतलब क्वालिटी के मामले में इतना अच्छा नहीं है जैसा आपको बोट के हेडफोन्स में देखने को मिलता है। ओवरऑल ठीक ठाक है, ये एक बैलेंस टाइप का हेडफोन मुझे लगा। यहाँ पे आपको देखिए ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिलता है साइड में, जो कंट्रोल्स हैं वॉल्यूम अप डाउन प्ले पॉज, और यहाँ पे LED इंडिकेटर, साथ में माइक्रो SD कार्ड भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें FM वगैरह भी देखने को आपको मिलता है। तो चलिए मैं इसे अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लेता हूँ। पेयर करने के बाद मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी भी सुनाता हूँ और आपको इसके साउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ साउंड को प्ले करता हूँ, तो मुझे जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। साउंड के मामले में मैं इसे 5 में से 5 नंबर दे सकता हूँ। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बट थोड़ा लूज है, ढीला पड़ता है, मेरे सर पे तो ये काफ़ी हद तक ढीला ही रहता है। ऑलमोस्ट ये ठीक ठाक हेडफोन है। अगर आपको ऐसा हेडफोन देख रहे हैं मार्केट में जिसमें आपको ब्लूटूथ भी देखने को मिले, ऑक्स भी, तो उस हिसाब से ये ठीक है। सारे कंट्रोल्स जो हैं इसके, प्ले पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, वो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। कॉल रिसीविंग की रही बात, तो उसमें ये इतना अच्छा नहीं मुझे लगा, क्योंकि कॉल में इसका माइक्रोफोन थोड़ा शेडी टाइप की आवाज़ को परफॉर्म करता है कॉल में बात करने के लिए। पर बिल्कुल भी बेकार नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि आप इससे कॉल अटेंड ही नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो ब्लूटूथ की रेंज है वो भी 10 मीटर के आसपास है, रेंज इसकी काफ़ी अच्छी लगी। वर्जन 4.2 है इसका, हालांकि ब्लूटूथ वर्जन 5 चल रहा है करंट में, 6 तक भी आ चुका होगा ऑब्वियस सी बात है, बट जो ओवरऑल क्वालिटी इस प्राइस में मुझे देखने को मिल रही है ज़ेबरोनिक्स की तरफ से वो काफ़ी अच्छी है। ज़ेबरोनिक्स एक काफ़ी पुराना ट्रस्टेड इंडिया का ब्रांड है, बट जो इसकी बिल्ड है वो मुझे ठीक नहीं लगी। अगर आपको ये हेडफोन चाहिए तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।